हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद किनरी। मेरे किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन में अगर फ्रेंकी खाने का मन हो तो आप घर पे इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम सामग्री से। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी फ्रेंकी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है पनीर चिली फ्रेंकी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। ऐसी माउथ वाटरिंग पनीर चिली फ्रेंकी बनाने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, पनीर चिली फ्रेंकी बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है। ये लगभग 150 ग्राम जितना पनीर है, इसको भी मैंने लंबाई में काट लिया है। ये होममेड पनीर है, इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। 2 मीडियम साइज़ के कैप्सिकम लिए हैं, इसको भी मैंने लंबाई में काट लिए हैं। 1 चम्मच जितना मैंने लहसुन और हरी मिर्च बारीक कटा हुआ लिया है। 7 अनुसार नमक लिया है। 1 टेबलस्पून जितना रेड चिली पाउडर लिया है। 3 चाइनीज़ सॉस लिए हैं मैंने, एक डार्क सोया सॉस है, रेड चिली सॉस है और ग्रीन चिली सॉस लिया है। 3 से 4 टेबलस्पून टोमेटो सॉस लिया है। ये वाइट वेज मेयोनीज लिया है मैंने। फ्रेंकी के रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 कप गेहूँ का आटा लिया है और 1 कप मैदा लिया है। आप सिर्फ गेहूँ के आटे से भी डो लगा सकते हैं और सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ दोनों लिया है। डो बनाने के लिए पहले एक बॉल ले लेंगे, उसमें गेहूं का आटा ले लेंगे, मैदा भी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच जितना ऑयल ले लेंगे मोइन के लिए, 1/2 को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में। नॉर्मली हम चपाती या पराठे का जो डो लगाते हैं ऐसा ही डो लगाना है हमें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथ लेंगे। ये देखिए, रोल बनाने के लिए डो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें से लगभग 5 से 6 फ्रेंकी बनेगी। अब इसको सेट होने के लिए 15 मिनट के लिए रख देते हैं। पनीर चिली का स्टफिंग बनाने के लिए एक मैंने नॉनस्टिक पैन ले लिया है, गैस को ऑन कर लेंगे। दो से तीन चम्मच जितना ऑयल ले लेंगे, तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर अनियन डाल देंगे। पहले गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है, बस 1 मिनट तक भून लेंगे अनियन को, ज़्यादा नहीं पकानी है। अब इसमें लहसुन और हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे, उसको भी भून लेंगे। अब कैप्सिकम डाल देंगे सारे। पनीर भी डाल देंगे उसमें, मिला लेंगे अच्छे से। 7 अनुसार नमक डाल देंगे, रेड चिली पाउडर भी डाल देंगे, मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये ग्रीन चिली सॉस है, 1 चम्मच जितना डाला है मैंने। रेड चिली सॉस पे 1 चम्मच जितना डाल देंगे, मिला लेंगे अच्छे से। सोया सॉस 1 चम्मच जितना डाल देंगे, 1 चम्मच जितना टोमेटो सॉस डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ज़्यादा नहीं पकाना है सब्जियों को, बस 2 से 3 मिनट ही पकाना है। ये देखिए, पनीर चिली का स्टफिंग रेडी है। अब गैस को बंद कर देंगे। स्टफिंग को मैंने एक बॉल में निकाल लिया है,
इस तरफ आटा हमारा सेट होकर रेडी हो गया है 15 मिनट के बाद। अब चलते हैं रोल बनाने की प्रोसेस में। अब आटे के एक समान टुकड़े करके हम लोई बना लेंगे। थोड़ी सी बड़ी लोई रखनी है चपाती से हमें। ऐसे सारे लोई के पेंडे तैयार कर लेंगे। पहले एक लोई ले लेंगे, अच्छे से आटा लगाकर बेल लेंगे। चपाती से थोड़ी मोटी रोटी बनाएंगे और थोड़ी पतली भी बनाएंगे। ये देखिए ऐसे बेल लेंगे। ये देखिए फ्रैंकी बनाने के लिए ऐसी बड़ी चपाती चाहिए हमें, ऐसे सब चपाती बेल लेंगे। ये देखिए सारी चपातियाँ मैंने बेल ली है फ्रैंकी बनाने के लिए। अब इसे तेल में सेक लेंगे। रोल बनाने के लिए मैंने एक नॉनस्टिक तवा ले लिया है। गैस को ऑन कर लेंगे पहले। तवा गर्म होते ही रोटी को ऐसे रख देंगे। लो से मीडियम फ्लेम पे पकाना है रोटी को। ऐसे बबल आने पर रोटी को पलट देंगे। थोड़ा सा तेल अप्लाई कर लेंगे। अब पलट देंगे रोटी को। दूसरी साइड भी थोड़ा सा तेल अप्लाई कर लेंगे। ये देखिए हल्के से ब्राउन डॉट्स आ जाए तब तक पकाना है। बस हो गई है हमारी रोटी। प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे दूसरी रोटियां भी तेल में सेक लेंगे। ये देखिए फ्रैंकी के लिए सारी रोटियां सेक कर रेडी है। अब चलते हैं फ्रैंकी बनाने की प्रोसेस में। पहले एक रोटी ले लेंगे। एक चम्मच जितना सॉस ले लेंगे, अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। सॉस के बाद एक चम्मच मेयोनीज ले लेंगे, उसे भी अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। ये देखिए सॉस और मेयोनीज अच्छे से अप्लाई हो गया है। अब स्टफिंग रख देंगे पनीर चिली का। ये देखिए ऐसे रखना है। ये देखिए मैंने स्टफिंग ऐसे रख दिया है। अब थोड़ी सी अनियन रख देंगे ऊपर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये देखिए स्टफिंग ऐसे मैंने रख दिया है। अब दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे रोटी को। एक फ्रैंकी बनकर रेडी है, ऐसी दूसरी भी बना लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल माउथ वाटरिंग और यमी पनीर चिली फ्रैंकी बनकर बिल्कुल रेडी है, जो बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें घर पर और अपने कमेंट्स मुझे भेजते रहिए। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।